नाम मेरा रंजीत कुमार है। बेसिकली हम बिहार वैशाली पातेपुर समस्तीपुर धरती से बिलोंग करते हैं, विद्यार्थी है। बेसिकली मेरा एजुकेशन एमए डीएलईडी है। आज से मैं उसको करने से पहले मैं भी आप ही के तरह के किसान के परिवार से आता हूँ। मैं ये कोट पैंट टाई में आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, मैं भी आप ही के तरह के परिवार से आता हूँ। ऐसा परिवार, एक ऐसा किसान परिवार जिसके पास ना हायर एजुकेशन था, ना कोई बैकग्राउंड था, ना इंट्रोडक्शन था, ना उसका कोई मान सम्मान था पंचायत लेवल पे। जिस परिवार से हम ताल्लुकात रखते हैं, सात भाई बहनों का परिवार मेरा है, जिसमें मेरा छठा स्थान है, हमसे बड़े पांच, एक छोटा। बाकी अगर बात करेंगे सभी लोग शादीशुदा है, सभी लोग घर बच चुका है। मैं अब तक कुंवारा हूं जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि जिंदगी के लक्ष्य थे हमारे, क्या थे लक्ष्य थे। जब मैं सिक्स क्लास में पढ़ता था, कौन क्लास में, एक चीज मैं पहले दोहरा देना चाहता हूँ कि इस स्टेज से, इस जगह से जब जो मैं बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। विश्वास करेंगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी, नहीं करेंगे तो मेरा कुछ बिगाड़। मैं जो हूँ वो रहूंगा साहब। आरसीएम के अंदर, आरसीएम को आने से पहले मैं जब सिक्स क्लास में पढ़ता था, छठे क्लास में पढ़ता था, हम किसी का काम करते थे। मेरी कीमत महीने की 50 पे लगाया गया था। कितना? 50 रुपया। दूध नापने का काम करते थे साहब सुबह शाम, क्योंकि हमारे को अभाव था। कहते हैं ना कि ट्यूशन फी के पैसे नहीं होते थे। जब कई बच्चे मेरे घर के बगल के कुएं पे पढ़ते थे सर जी से, तो मैं घर में आकर जिद करता था कि मेरे को भी पढ़ना है। और माँ बोलती थी कि बेटा मैं कहां से पैसा दे पाऊंगा तुमको, ये रियलिटी है। तो मेरे को एक काम सूझी, क्योंकि गांव में नई नई अनुज डेयरी सेंटर हाजीपुर से आई थी, आजकल में बंद हो चुका है, जहां पे हमारे ग्रामवासी थे श्रीमान गणेश राय जी, जो अनुज डेयरी लिए थे। उन्होंने 2 घंटा सुबह शाम के लिए एक लड़का चाहिए था नापने के लिए, और मेरे को 50 रुपया मिलता था। कितना? 50 रुपया दूध नापने का काम, जो मेरे ट्यूशन फी होते थे। मैट्रिक पास किया, सहारा इंडिया परिवार ज्वाइन किया, इंटर पास किया, इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन किया, आम का बिजनेस किया, लाखों की लॉटरी का कारोबार किया। मैंने मेले में, ठेले में, हाट में धंधे किए। कहते हैं मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। जिसके जीवन में अभाव नहीं है उसका जीवन का कोई भाव नहीं है। और अभाव रहा है साहब, संघर्ष भरी जीवन रही है, जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे। लेकिन कहते हैं जिनके जीवन में, कहते ना कि अंधकार होता है वो अगर चाहे तो प्रकाश भी आ जाता है। या सुनो, अंधकार था लेकिन हमेशा प्रकाश की राहों में थी, तलाशों में था। और जिसके लेके मैंने 2012 में कोचिंग भी खोला, स्कूल भी खोला अपने पातेपुर प्रखंड बाजार के अंतर्गत दुर्गा चंद विद्यापति के नाम से, जहां पर 10th तक बच्चों को पढ़ाते थे। डे बोर्डिंग स्कूल चलता था, 18 लोगों का स्टाफ था, 3 पार्टनर मिलकर खोले थे, जहां पे बांट छोड़ के 5,000-5,000 रुपया कमाते थे। इससे ज्यादा नहीं कमाते थे, लेकिन जिंदगी में नहीं लग रहा था कि सपने पूरे होंगे, जिंदगी में नहीं लग रहा था कि कुछ बड़ा कर पाएंगे। बहुत सारी उतार चढ़ाव हमने देखा था जिंदगी के अंदर। होता क्या था समझिएगा बात को, क्योंकि सारा इंडिया परिवार में इंश्योरेंस सेक्टर में हमने काम किया था। बिल्कुल बैठ दीजिए, जिनको जहां जाना है जाइए, मेरी बात को थोड़े देर आत्मसात करिए। मैं दिल से बोलता हूं कि मेरी स्टोरी से आपको हो सकता है कि कुछ नई दिशा दशा मिल सकता है। हर किसी की कहानी, हर किसी का दर्द, हर किसी का अपने लिए बड़ा है साहब। हर किसी की जो है ना दर्द, वो किसी का कम नहीं होता, अपने लिए बड़ा ही होता है। ऐसा नहीं कि मेरा दर्द बड़ा है, आपका भी दर्द बड़ा होगा साहब। और हर किसी के, कहते हैं ना कि जिसके मन की चोट, ध्यान देंगे साहब, अगर कहीं पे शरीर चोट लगा है ना तो इलाज से ठीक हो सकता है, लेकिन मन पे लगा हुआ चोट कभी ठीक नहीं होता है क्या? नहीं। और इस लड़के को मन पे चोट लगा साहब, जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो साल में 1 शर्ट पैंट कपड़े होते थे, पैर में चप्पल नहीं होता था। उस दौर से हमने जीवन को देखा है, और इसके जीवन में अब तक भागते जा रहा हूं, पता नहीं चला उम्र इतना कैसे हो गया। जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव हम रहे, बहुत सारी परेशानियां रही, लेकिन क्योंकि हम फील्ड में काम कर चुके थे, सारा इंडिया को लेकर, इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर, एक चीज पता चल गया था हमें कि इस जीवन में 1 रुपया आपके पास नहीं है कोई मायने नहीं रखता। आपके जीवन में 1 रुपया नहीं है कोई मायने नहीं रखता। अगर 1 करोड़ का परिवार आपके पास है, गौर से बात सुनिएगा, आपके पास अगर 1 रुपया नहीं है मायने नहीं रखता। अगर 1 करोड़ का परिवार आपके पास है और लोग 1-1 रुपया आपको दान में दे दे, कितना? 1-1 रुपया दान, आपको अगर 1-1 रुपया लोग दान में दे दे तो भी आप करोड़पति बन जाएंगे। समझ में आ रही है कि बात? Yes. आ रहा है बात समझ में? Yes. मेरे को लग गया कि मेरे पास पैसा नहीं है कोई मायने नहीं, लोगों से ऋण बनाने आ जाए, लोगों को सम्मान करने आ जाए। लोग वही सफल हो सकता है जिसके विचार है, संस्कार है, सम्मान करना जानता है। या सुनो, इस लड़के पास कुछ नहीं था, एक चीज था, लोगों से रिश्ता बनाना जानता था। आज रिश्ता बनाते बनाते हम आप तक आ गए। या सुनो जी, 2012 में कोचिंग स्कूल खोली, 18 लोगों का स्टाफ था, मिला जुला के 5-10 रुपए कमाते थे, जिंदगी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन लग नहीं रहा था कि इससे सपने पूरे होंगे। सन 2015 में, कब? सन 2015 में एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई, एक ऐसे शख्स से हमारी इस बिजनेस के लेके डिस्कशन हुआ, दरभंगा की धरती पे, टाउन हॉल की धरती पे, जहां 100 रुपए का टी घंटा का हमने मीटिंग सुना था। आप तो फ्री में आ गए हैं साहब,
और कहते हैं कि फ्री की बात फ्री में रह जाती है, समझ में नहीं आती है। क्योंकि जब हम भोज खाने जाते हैं ना तो आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं, लेकिन होटल में जाते हैं तो दाल उठा के भी पी जाते हैं। क्यों बाकी तरह से आए सुनना चाहिए। yes. मैंने कहा जिंदगी के अंदर जिस इंसान से हमारी मुलाकात हुई, जिस शख्स से हमारी बातचीत हुई सन 2015 में, वो यहाँ से नहीं थे, राजस्थान की धरती से पेशे से एडवोकेट थे, जूडो कराटा के नेशनल प्लेयर रहे, राजस्थान टीम में सब कैप्टन रहे, जिन्होंने 800 मैच के पहले की बात करूं तो लमसम पौने 200 एकड़ जमीन जिनके पास हो, 50-60 लाख सालाना खेती से जिनको आमदनी हो, वो भी इस बिजनेस को कर सकता हो तो मेरी तो औकात क्या थी। नहीं जब सामने वाला का इंट्रोडक्शन मैंने सुना कि पौने 200 एकड़ जमीन 60-70 लाख सालाना खेती से आमदनी, एडवोकेट है साहब, जूडो कराटा के नेशनल प्लेयर है साहब, जयपुर में बहुत बड़ा मकान है साहब, हिंदुस्तान के 400 में उनके अपने घर है, उसके बावजूद भी आज से हमको पूरा परिवार शिद्दत से करते हैं, तो तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और जब उनके साथ डिस्कशन हुआ, उनके साथ जब इस बिजनेस को लेके कुछ जानकारी मिली, तो हमें लगा कि जीवन में आज से हमको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ना पैसा लेना है ना पैसा देना है। और उन्होंने आज से 6 साल पहले 2015 में एक चीज बताया कि मिस्टर रंजीत तुम मेरा साथ अगर चलने लग जाओ, तुम मेरे साथ इसको करने लग जाओ, मेरी जिंदगी बदली है तेरी बदल सकती है। और हम चाहते हैं हम तमाम लोग अप्लाई गुरुदेव जैन एंड कुकरा के लिए एक बार जो